तो हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम दोबारा से खेलने जा रहे हैं माइनक्राफ्ट। तो माइनक्राफ्ट के अगले वीडियो में, जैसे कि आपने देखा कि हमने विलेजर्स को अपने घर पे लेके आए थे, और आज देखो तीन विलेजर्स लेके आए थे और कितने सारे हो गए हैं। जैसे कि आप सब लोग मेरे आसपास देख सकते हो कि मेरे पास एक ही लेवल में सब ग्रास और डर्ट लगा के एक ही लेवल में कर दिया। और अभी के लिए चलो नीचे चलते हैं और अपने विलेजर्स को, मैं आपको अपने विलेजर दिखाता हूँ। तो अब चलते हैं। अरे अंदर ये आयरन डोर भी आपने देख लिया था। और देखो, मैं आपको एक एक करके सभी विलेजर्स को दिखाता हूँ कितना अपग्रेड किया और कितना नहीं। मैंने ये विलेजर सिर्फ मुझे एक ही एमरेल में फोर कुछ दे रहा है खाने का, और ये हमको दे रहा है स्वॉर्ड आयन की। अरे भाई साहब किधर भाग रहे हो, रुको जरा। और ये भाई साहब हमको दे रहे हैं लेदर, ये है हमारे लेदर वर्कर। और दूसरा है वो है फार्मर भैया। नहीं अभी ये इसके पास है, मैंने अपने लिए अभी के लिए एक बो ले लिया जिसमें अच्छी, बहुत ही अच्छी और पावरफुल इंजनमेंट लगी है, पावर 3। और ये मेरे लाइब्रेरियन को तो अभी तक मैंने अपग्रेड नहीं किया, लेकिन इसको थोड़ा कर दिया है। इससे हम अभी के लिए पिकेक्स ले लेते हैं, क्योंकि आज हम जो आगे करने वाले उसके लिए हमको पिकेक्स चाहिए ही। और आपने देखा होगा कि मेरी डायमंड पिकेक्स की हेल्थ कितनी कम है। इधर से एमरेल्ड उठाते हैं और उसके पास से, और इसके पास से हम अपनी पिकेक्स ले लेते हैं। और आप भाई साहब क्या दे रहे हो, नहीं ये भाई साहब तो अभी शून्य पे ही है। चलो दूसरे के पास देखते हैं, आपके पास, इसके पास, ये तो वही है ना स्वॉर्ड वाला। अभी के लिए इसके पास से स्वॉर्ड नहीं ले, मेरे पास इसका दूसरा भी है, मतलब दूसरा वेपन स्मिथ पीस। ये क्या दे रहा है भाई साहब हमको, ओ ये हमको शार्पनेस 2 दे रहा है। और ये भाई साहब हटो जरा, और ये भाई साहब क्या दे रहे हैं हमको, और ये हमको दे रहे हैं अनब्रेकिंग 2। अभी के लिए ये रख देते हैं, बाद में हम फिर कर देंगे। और ये तो हमको शार्पनेस ही दे रहे थे। चलो अरे हट जा, अभी के लिए एमरेल को इधर स्टोर करवा देते हैं। आज की वाली वीडियो का टाइटल और थंबनेल देख के आपको पता ही चल गया होगा कि आज हम बनाने वाले हैं पिकेक्स की स्टैचू। और वो स्टैचू आम नहीं होगी, वो थोड़ी हम हटके बनाएंगे। इसके लिए चलो पहले अपने लिए, मैं पहले इस तरह देखना चाहता हूँ कि क्या हम डायमंड पिकेक्स को आयरन पिकेक्स में, मतलब डायमंड पिकेक्स के इंचन में डायमंड पिकेक्स में लगवा सकते हैं, नहीं लगवा सकते सॉरी। और इधर ये हमारा, और इसमें जो हम विलेजर्स को लेने गए थे तब हमको बीच में से मिला था अनब्रेकिंग 2 की हो और सवल सिल्क रच विथ। और अब गोल्डन बूट्स तो अभी तक मैंने यूज़ नहीं किए, उसको हम बाद में करेंगे, अभी के लिए तो ऐसे रख दिया है। और इधर से अपनी बो भी उठा लेते हैं और थोड़े एरोस भी ले लेते हैं, क्योंकि क्रीपर भाई साहब को तो दूर से ही मारना पड़ेगा। चलो इधर से पहले मैं अपने कैरेट ले लेता हूँ, फूड का जुगाड़ कर लेता हूँ। मैंने पीछे अपने फार्म में कैरेट भी उगाए हैं, क्योंकि उससे ये लोग की ब्रीडिंग सबसे ज़्यादा होती है। और इधर से थोड़े गोल्डन इंगेट ले लेते हैं, उनको नगेट्स में बदल के उसमें से हम बनाएंगे गोल्डन कैरेट। ये नगेट्स बना लिए, 2 स्टेक बना लेता हूँ, उससे कम से कम 10 गोल्डन कैरेट तो बन ही जाएंगे शायद से। कितने बने, वो 8 बन गए, इतने तो काफ़ी होगी। ये बाकी के बच्चे ये भी यूज़ कर ही लेते हैं, क्यों उसको पॉकेट में जाने दें। अच्छा 10 पर मैंने बोला था ना, 10 तो बन ही जाएंगे। चलो इसको वापस स्टोर करवा देते हैं इधर। और कोई सामान नहीं है ना, नहीं है ना, और कोई भी नहीं इसको। और ये है हमारे बिल्डिंग ब्लॉक्स। अब मैंने पीछे वो कोबर स्टोन को स्टोन में कन्वर्ट करने रखे थे, वो भी हो गए हैं। और बाकी थोड़े बचे हुए तो फर्नेस में ही पड़े हुए हैं। और ये कूड़ा इतना ज़्यादा पड़ा है ना मेरे पॉकेट में, हट जा भाई लाइब्रेरियन। देखा मैंने बोला था फर्नेस में भी थोड़े थोड़े हैं। इधर शायद से 1 स्टैक भी होगा, ये 3 में से 1 में, इसमें से 14 मिल गई है 9। और इसमें हाँ 1 स्टैक इसमें भी है। ये स्टोन को हम स्टोन ब्रिक्स में कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि आप सबको पता है कि स्टोन ब्रिक्स से हम कुछ बनाते उसकी लुक एकदम हटके हो जाती है।
अभी के लिए जो जो हमको ब्लॉक्स लगेंगे वो पिकेक्स बनाने में जो जो भी ब्लॉक्स लगेंगे वो सब ले लेते हैं। और सॉरी कि मैंने अगले वाले एपिसोड में उसको मौसमी ब्लॉक बोला था, लेकिन उसको मौसी ब्लॉक बोलते हैं, वो मेरी थोड़ी भूल हो गई थी। इधर हमारे ब्लैक स्टोन और ये सब सैंड स्टोन और सैंड भी ले लेते हैं, बड़े बचे हुए कोबर स्टोन को इधर डाल देते हैं, क्योंकि पता नहीं कितने सारे स्टोन ब्रिक चाहिए, इसलिए अभी तक तो जितना हो सकता है उतने ज़्यादा ही है, बाद में हम देख लेंगे। इधर भी थोड़े डाल देते हैं। अच्छा, तो इधर से जो जो अच्छा अच्छा सामान है वो ले लेते हैं, ये ब्लू डायोरेंट और ये ब्लू डायोरेंट, ये सब ले लेंगे हम अभी के लिए। तो चलो अब ऐसा करते हैं कि पहले स्टोन को स्टोन ब्रिक्स में कन्वर्ट कर लेते। और इधर ही हमारा पहला दिन तो ऐसे ही चला गया, हमने अभी तक कुछ भी नहीं किया, लिटरली हमने अभी तक कुछ ही नहीं किया। अब सीधा सो के ये स्टोन ब्रिक बना के सो के सीधा दूसरे दिन अपने स्टेच्यू बनाने में लग जाते हैं। ओके, तो ये अपने आखिरी वाले सैंड को सैंड स्टोन में बदल देते हैं, नहीं अभी के लिए इसको रख देते हैं। ये कट सैंड स्टोन कैसे लगते हैं, अच्छे ही लगते हैं, इसको भी ले लेंगे, कम पड़ेंगे तो हमारे पीछे ही ओशन है उसमें से ले आएंगे। सो जाते हैं अभी के लिए और सुबह काम करना पड़ेगा। ओके, तो अभी के लिए मैंने ये 9x9 का मैंने बॉर्डर बना दिया है। अब पहले स्टोन ब्रिक से इसकी बॉर्डर बना लेते हैं, 1, 2, 3, 4, अरे बीच में रह गया। ओके, तो इधर हमारे 9x9 का स्टोन ब्रिक्स से हमने अपनी बॉर्डर बना लिए। अब बारी है इसके ऊपर होगी ब्लैक स्टोन, इसलिए हम ऐसा थोड़ा डार्क थीम में बनाएंगे, इसलिए थोड़ा हटके लुक आए। ये इधर बना लेते हैं इसकी, ये गलत लग गया है, ये शायद से वो 9x9 था तो ये 6x6 होगा। ऐसे ही हम लाइन टू लाइन ऊपर चलते जाएंगे और इससे हमारा हाथ का शेप आएगा। अरे ये नीचे गिर जाता हूँ बार। और ये जैसे कि आप सब लोग आसपास भी देख रहे हो, मैंने काफ़ी सारा डर्ट निकाल के, इसका ही डर्ट निकाल के एक ही लेवल में सब कर दिया है अभी के लिए, क्योंकि आगे जाके हमको अपना हाउस भी बनाना पड़ेगा इसलिए। तो ये हमारा दूसरी लाइन भी हो गई, दिखने में तो अच्छी लग रही है, आपको कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताना। और अभी तक, अरे यार मैं किधर पहुंच गया, अब इधर एक ब्लॉक टेम्प्रेरी, अरे 4 ब्लॉक 5 ब्लॉक हमारे वेस्ट हो गए ऐसे ही ऐसे। तो ओके गाइस, तो अभी के लिए मैंने क्या किया कि जो भी ये दूसरी लाइन में ब्लैक स्टोन था उसको हटा के मैंने मौसी ब्लॉक को मौसी ब्रिक्स में कन्वर्ट कर लिया। और आप देखो कितनी जहर लुक आ रही है। और ये बाकी जो बीच में छेद है ना, उसमें हम अपने क्या लगाएंगे, उसको क्या बोलते हैं, फायर लगाएंगे, इसलिए थोड़ा रोशनी भी रहेगी और दिखने में भी अच्छा लगेगा। और इधर वो आप देखो, सिर्फ आप देखो कितना अच्छा लग रहा है ये स्टोन ब्रिक्स और मौसी स्टोन ब्रिक्स का, इसमें कितने अच्छे लग रहे हैं। और अभी आगे का काम शुरू करते हैं। और इसमें डायोराइट के स्लेब लगाए हैं। और इधर हम अपने ब्लैक स्टोन फिर से ले लेते हैं। और इधर से शुरू होता है हमारे स्टैचू का हाथ, और इसको अभी ऐसे ही इसी तरह हम ऊपर लेते जाएंगे। शायद से हम 4 हाइट तक लेके जाएंगे, क्योंकि बहुत बड़ी भी नहीं करनी और बहुत छोटी भी नहीं करनी। और मेरी डायमंड पिकक्स की हेल्थ कम ही हो जा रही है, इसके लिए वो आयरन की भी कम हो गई है यार, उसकी एफिशिएंसी 2 है, उसमें अनब्रेकिंग नहीं है, इसलिए उसकी ज़्यादा यूज़ हो रहा है उसका। और अभी के लिए ये हमारा, पहले नीचे जाके देख लेते हैं कैसा लग रहा है। ये डाली वाटर बकेट और नीचे आ गए, इतना शायद से ब्लैक स्टोन हटा देता हूँ क्योंकि वो अभी के लिए अच्छा नहीं लग रहा। ओके, तो गाइस मैंने अभी के लिए आधा 50% हो गया है, अब 50% ही बाकी है। और ये आप सब देख लीजिए, मतलब उसका बेस पार्ट जो था, जो नीचे का पार्ट, वो सभी हो गए हैं। और जैसे कि आप सब देख रहे हो, मैंने जो नीचे का थीम था वहीं ऊपर का थीम रखा है, क्योंकि फिर वो ऊपर का और नीचे का अलग अलग हो जा रहा था, इसलिए जो अभी के लिए सही लग रहा था वहीं लगा दिया है। और ये बीच में जो छेद देख रहे हैं उसमें हम बोन फायर लगाएंगे। और जो मेरा काम का नहीं था ना, वो जो कूड़ा और ये इधर चेस्ट और बेड लगा दिया, क्योंकि हमको शाम भी जल्दी हो जा रही थी इसलिए। और इधर से हम अपनी स्टेयर्स बना लेते हैं स्टोन ब्रिक्स की,
क्योंकि उससे बनेगा हमारे हाथ की उंगलियाँ। इधर डाली वाटर बकेट और इधर हम ऊपर चले जाते हैं और ये हम पहुंच गए हैं टॉप फ्लोर पर। इधर से कितना जहर लग रहा है अपना घर, लेकिन अभी भी उसको बड़ा करेंगे और आप भी बोलोगे क्या बना दिया है। चलो इधर पहले एक स्टे लगानी पड़ेगी, ये गलत लग गई, इसको उल्टी लगानी थी। इधर भी आप उल्टी लगाना क्योंकि इससे ही लुक अच्छी आएगी। इधर अरे यार ये फिर से, अरे फिर से। अभी के लिए ऐसा कर, इसके आगे ब्रेक्स लगा देता हूँ इसलिए ये अच्छे से उल्टी हो जाएगी, वैसे तो वरना ऐसे होगा ही नहीं। और ये तीसरी हो गई, हो गई। ऐसे ही हमको दूसरी लाइन भी करनी है लेकिन उससे आगे। ओके तो ये हमारा आखिरी वाला स्टेज है और इससे हमको अब ऊपर ले जाने है उंगली को। ये और ये जो काम के सामान नहीं थे वो भी मैंने निकाल दिया है। इधर से डालते हैं सीधा नीचे जंप और देखते हैं नीचे से कैसी लग रही। मतलब वही अभी के लिए तो दो ही उंगली हुई है और इसको हम अभी ट्राइंगल ले जाएंगे। और जैसे कि आप सब देख सकते हो, जैसा सामने जैसा इस साइड पे था वैसा ही वैसा मैंने सामने भी डुप्लीकेट बना दिया है। और ऐसा ही ऐसा हमको इसके ऊपर ही करना है, मतलब पूरा उल्टा भी और सीधा भी हो जाएगा। पहले ये पानी को हटा देता हूँ। अरे 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 सॉरी 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 सॉरी, नीचे आ गया पुल से। ओके तो मैंने अभी के लिए देख सकते हो जिस तरह, अब सिर्फ हमको पिकेक्स ही बनानी है। हाथ और ये सब तो बन ही गया है। और इधर से मारते हैं सीधा नीचे जंप। आपको नीचे से दिखाता हूँ, नीचे से दिखाने से पहले सो जाता हूँ, अभी के लिए आपको कुछ भी नहीं दिखेगा। और इतने सारे मॉब्स आ रहे हैं ना, वो भी मुझे पता नहीं चल रहा क्यों। ओके इधर से तो एकदम एक नंबर लग रहा है, आपको कैसा लग रहा है कमेंट में बताना। अरे तेरे को बहुत तुम करे मर साले, एक तो मर रहा है फिर भी हमको मार रहा है। और ये पानी की वजह से थोड़ा बेकार लग रहा है, वो भी हम हटा देंगे, लेकिन अभी के लिए तो मुझको एक नंबर लग रहा है। आपको कैसा लग रहा है बताना। और ये मौसी ब्लॉक है ना, उससे एकदम अच्छी लुक आती है। अरे यार ये नीचे गिर गया, चलो ऊपर चलते हैं। ओके तो जैसे कि आप सब लोग देख सकते हैं, ये हैंड मतलब उसकी लकड़ी बन गई है, एकदम डिटो की डिटो लकड़ी लग रही है। मतलब मैंने अभी के लिए वो प्लैंक्स और स्प्रूस ट्री के प्लैंक्स यूज़ करे हैं। तो ओके तो अभी के लिए पूरी की पूरी स्टैचू रेडी हो चुकी है ऊपर से लेके नीचे तक, वो भी सेम टू सेम। अभी के लिए तो मैं आयरन की बना दी है, अभी के लिए मैंने तो आयरन की बना दी है। बीच में जो वाइट वाइट ब्लॉक देख रहे हैं वो आयरन है। और ये सच में बहुत ही अच्छी लग रही है, चारों तरफ से लुक एकदम अच्छा आ रहा है क्योंकि एकदम 3D लुक दी है मैंने। और अभी भी और कोई और भी अलग होगा वो आप सिर्फ आगे आके देखते जाओ देखते जाओ। और आप भी बताना कि कमेंट्स में आपको कैसी लगी। और इसमें जब हमारे पास अलग अलग डायमंड के ब्लॉक, गोल्ड के ब्लॉक, ऐसा ऐसा हम पिकेक्स को भी अपग्रेड करते जाएंगे। ओके अरे यार ये क्रीपर फट गया, जल्दी जल्दी भागना पड़ेगा वरना सब सामान। अरे 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 हट जा पीगू हट जा। ओके तो मैंने पूरे की पूरी स्टैचू रेडी कर ली है और आपको 1 2 3 मतलब जहर लग रही है, एक नंबर लग रही है। मैंने सोची नहीं थी कि इतनी अच्छी हो जाएगी, लेकिन बनाते गया और इतनी अच्छी बन गई। और ये मैंने बोन फायर और नीचे पानी लगा दिया है, उससे क्या होगा कि उसका लुक एकदम बढ़ जाए, मतलब लुक में अच्छा लगने लगेगा। और पानी के नीचे मैंने प्लैंक्स लगाए क्योंकि डर्ट तो अच्छी नहीं लग रही थी। और फिर इधर मैंने प्लैंक्स मतलब स्लेब लगा दिए हैं क्योंकि मॉस भी अंदर ना जा सके। और एक तरफ पीछे से आगे से दाएं से बाएं से सभी तरफ से अच्छी लग रही है। ओके तो गाइस आज की वाले वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट। और मुझे कमेंट करके बताना कि आपको ये स्टैचू कैसी लगी और आप भी अपने सर्वाइवल वर्ल्ड में बना के मुझे टैग कर सकते हो, मैं देखूँगा उसको। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।